तो भाई मैं जल्दी से फिर से एक बार जो जो लिखा है वो रिपीट कर देता हूँ। अभी लिखवाया था, अभी एक बार रिपीट कर देता हूँ कि बिगर यूनिट्स क्या हो गई। किलो वॉट, किलो का मतलब पहले से बताया गया है, किलो कहीं पे भी आ जाए उसका मतलब क्या होता है, 1000। तो 10 to the power 3 वॉट। मेगा वॉट, तो मेगा भी एक नंबर है जो किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 to the power 6। कहीं पे भी मेगा लिखा हुआ दिख जाए, इसका मतलब मेगा को हटाओ और उसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, 10 to the power 6। तो 1 megawatt is equal to 10 to the power 6 watt। अच्छा, मेगा का ही एक और दूसरा नाम होता है क्या, मिलियन, 1 million watt। सो 1 million 10 lakhs या 10 to the power 6, दोनों का मतलब मेगा या मिलियन एक ही चीज है। ठीक है, तो जनरली पावर के टाइम पे हम मिलियन वॉट ना बोल करके हम क्या बोलते हैं, मेगा वॉट। नंबर ऑफ पीपल को जनरली मिलियन, या नंबर ऑफ मनी जो करेंसी वगैरह, तो उनको मिलियन के अंदर जनरली बोल देते हैं, उस टाइम मेगा नहीं बोलते, और कुछ नहीं, बाकी दोनों सेम ही नंबर वाइज। और इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन की फॉर्म में बोल दी कि अगर कोई अप्लायंस टी टाइम में ई एनर्जी कंज्यूम करे तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी, रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम पर सेकेंड, या चाहो तो यहाँ पे लिख लेना पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम, फिर से 1 वॉट की डेफिनेशन, पहले हमने जो डिफाइन करी थी वो किसके बेस पर डिफाइन करी थी, वीआई के बेस पर डिफाइन करी थी, कि जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाए किसी कंडक्टर या इलेक्ट्रिक डिवाइस के अक्रॉस और उसके थ्रू अगर 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, 1 वॉट। अभी हमने 1 वॉट की एक और डेफिनेशन किसकी टर्म्स में देख ली, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन की टर्म्स में, वो क्या निकली, इफ द इलेक्ट्रिक डिवाइसेस विल कंज्यूम 1 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड, देन द कंज्यूम्ड पावर, इलेक्ट्रिक पावर इज कॉल्ड 1 वॉट। तो ये 1 वॉट थी। फिर हमने क्या देखा, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, तो क्या क्या फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म हो गई, पी इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। आया कैसे, हमें पता है ये फॉर्मूला पहले से हम लिख चुके हैं और डेराइव भी कर चुके हैं इसको भी, पी इज इक्वल टू वी आई। ओम्स लॉ हमें क्या बोलता है कि वी इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, वी इज इक्वल टू आई आर, तो इस वी की जगह, वी आई में वी की जगह आई आर सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन 2 से 1 में, तो आई आर इंटू ई आई इंटू आई आई स्क्वायर आर, ये बन गई हमारी इक्वेशन 3। तो एक फॉर्मेट ये आ गया P इज इक्वल टू VI, दूसरा फॉर्मेट आ गया P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। हमें टोटल कितनी फॉर्म्स में लेकर के आना था, हमारे पास क्या क्या होते हैं फॉर्म में, VI और R। तो एक फॉर्मेट तो आ चुका था VI की टर्म्स में, दूसरा फॉर्मेट आ चुका है हमारे पास IR की टर्म्स में, और तीसरा फॉर्मेट हम लेकर के आएंगे V और R की टर्म्स में। तो फिर से हमने ओम्स लॉ लिया, V इज इक्वल टू आई आर, इसमें मुझे रिप्लेस क्या करना है, VI आ ही चुका है, आई स्क्वायर I और R आई चुका है, नेक्स्ट के अंदर मैं क्या चाहता हूँ, I ना हो, इसमें R नहीं था, V और I था, इसमें I R है, V नहीं है, अब नेक्स्ट वाले में क्या गायब कर दूं, I ना हो, V और R हो, तो मैंने I की वैल्यू यहाँ, इसके लिए I की वैल्यू निकाल दी, I इज इक्वल टू V अपॉन R, और सब्स्टिट्यूट कर दी इसमें, तो V इंटू I की जगह क्या रख दिया, V अपॉन R, तो V अपॉन R, V इंटू V, V स्क्वायर अपॉन R, तो हमारे पास तीसरा फॉर्मूला आ गया। तो हमें टोटल 3 फॉर्मेट्स मिल गए इलेक्ट्रिकल पावर के। हाँ भाई, सभी को ये सारी। तो नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं वो है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ये वो चीज है सबसे पहले तो, कि एनर्जी को इलेक्ट्रिक कोई भी डिवाइस, जैसे फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, तो हमने देखा होगा कि हमारे घर के अंदर जो बिल आते हैं, एक मीटर की रीडिंग लेने वाला आता है, मीटर के अंदर एक रीडिंग चलती है, तो कहता है कि भाई आपने इस मंथ के अंदर इतने नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम कर ली। तो आपने करने का मतलब किसने कंज्यूम कर लिया, आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वहां पर इंस्टॉल है, चाहे वो एसी रन हो रहा है, ट्यूबलाइट रन हो रही है, फैन चल रहा है, जो भी जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, तो वो टाइम के रेस्पेक्ट में जो भी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन पर यूनिट टाइम को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, KWH। अब यहाँ पे KWH का मतलब क्या हुआ, कि लेट सपोज एक कोई डिवाइस है, अगर वो डिवाइस 1 घंटे तक, 1 आवर तक, अगर उसकी रेटिंग 1 किलो वॉट हो, यानी कि ऐसा डिवाइस जो 1 आवर में 1 किलो वॉट यूज कर ले, कंज्यूम कर ले, उसकी इलेक्ट्रिक पावर 1 किलो वॉट हो और वो 1 आवर तक रन करे, तो हम बोलेंगे कि उसने कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करी, 1 किलोवाट के इलेक्ट्रिक डिवाइस ने 1 आवर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करी। तो 1 किलोवाट 1 आवर तक चला तो कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करी, 1 किलोवाट आवर। तो ये एक्चुअल में है क्या 1 किलोवाट आवर, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन।
इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन, तो जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम की गई, इस इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन को ही सिंपली इलेक्ट्रिक एनर्जी ना बोल करके इसके दो तीन नाम रख दिए, 1 किलोवाट और ये रहा इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंजप्शन को ही हमने, यानी कि केडब्ल्यू इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक एनर्जी, दूसरा नाम एक और दिया बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बोटू और सिंपली यूनिट। तो सबसे ज्यादा जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो है यूनिट, कि घर के अंदर जो बिजली का बिल आया तो किस सेंस में आता है कि हमने 150 यूनिट्स कंज्यूम कर ली बिजली के, मीटर की रीडिंग पहले थी मान लीजिए 100 और उसके बाद नेक्स्ट आ गई 250, तो आपको कुछ बोला जाएगा कि पिछले मंथ आपकी रीडिंग थी मीटर की, इलेक्ट्रिक मीटर की 100, अभी है 250, तो आपने टोटल कितनी यूनिट्स कंज्यूम कर ली इस मंथ के अंदर, 250 माइनस 100 150 यूनिट्स कंज्यूम कर ली। तो वो 150 यूनिट्स किस चीज को शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को शो कर रहा है कि आपके सभी डिवाइसेस ने कितनी टोटल एनर्जी कंज्यूम कर ली, 150 यूनिट। तो ये एक्चुअल में है क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं, तो वन यूनिट इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में हम जनरली डेली लाइफ में मेजर कर रहे हैं, यूनिट के अंदर। तो यूनिट में जब मेजर कर रहे हैं तो नंबर ऑफ यूनिट कैसे काउंट करेंगे, तो नंबर ऑफ यूनिट बोली गई कि अगर कोई भी डिवाइस जो 1 किलोवाट का अगर वो 1 आवर तक रन हो गया तो कितनी यूनिट कंज्यूम करेगा, 1 ही। अभी इसके आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि भाई रिलेशन क्या होता है किलोवाट और जूल के अंदर, हमने बोला क्योंकि 1 किलोवाट आर का मतलब हुआ 1 किलोवाट का अटाइस 1 आवर, इनको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया तो ये हो गया 1000 वाट, 16 to 50 3600, ये हो गया 36 बेस सेम पावर है 10 to the power 3, 10 to the power 2, 10 to the power 5 वॉट सेकंड, वॉट सेकंड ही क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्योंकि हमने पढ़ा P = E/T एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी क्या हो गई P × T पावर इंटू टाइम, पावर किसमें मेजर करते हैं वॉट में और टाइम किसमें मेजर करते हैं सेकंड में, यानी कि वॉट सेकंड ही क्या बना रहा है जूल, तो हमने वॉट सेकंड की जगह क्या लगा दिया जूल, हो गया 36 × 10 to the power 5 या 3.6 × 10 to the power 6 जूल, और 10 to the power 6 जूल को क्या लिख सकते हैं मेगा, हो गया हमारे पास कि 1 kWh किसके बराबर होता है 3.6 × 10 to the power 6 जूल या 3.6 मेगा जूल, ठीक है। मैं फिर से समझा देता हूं, वहां पर ये सब कुछ जो भी लिख रहे हैं ये सब सब चीजें हैं क्या चीज, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और हमने पावर की फॉर्म में इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन क्या देख रखी है, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम, इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैंने सिंपली ई मान लिया, टाइम टी और पावर पी, तो ई का फॉर्मूला बनाओ तो टी को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो गया P × T, पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है वॉट, टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है सेकंड, और हमें पता है एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है जूल, यानी कि जूल किसके बराबर होना चाहिए 1 joule = 1 watt second, तो वॉट सेकंड किसकी यूनिट हो गई जूल की, तो इसलिए फाइनली। अच्छा किसी को ये कन्वर्ट नहीं करना आया हो तो देखो 36 × 10 to the power 5 था, मैंने नीचे 10 से डिवाइड कर दिया और 10 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो इससे तो बन गया 3.6 और 10 to the power 5 और 10 to the power 1 ये बन गया 10 to the power 6 जूल, ठीक है। तो जनरली ये रिलेशन पूछा